दिल्ली से आगरा के बीच सेमी बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू हो गया है। ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और महज 1.5 घंटे में ये आपको दिल्ली से आगरा तक पहुंचा देगी। अभी इसी ट्रैक पर शताब्दी ये दूरी तय करने में करीब 2 घंटे का वक्त लेती है और इसकी अधिकतम स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे की है। रेलवे को उम्मीद है कि इस सेमी बुलेट ट्रेन को 190 किलोमीटर की रफ्तार पर ले जाया जाएगा। तो काफ़ी सालों से लोगों को इस बात की उम्मीद थी और इंतज़ार था कि एक बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में भी चलती नज़र आए, जिसकी एक तस्वीर आज सामने नज़र आ रही है। बुलेट ट्रेन नहीं है लेकिन सेमी बुलेट ट्रेन है जिसकी रफ्तार 160 किलोमीटर है। आगरा तक की जो दूरी करीब 200 किलोमीटर की है, अगर आप इस ट्रेन से सफ़र करेंगे तो करीब 1.5 घंटे में आप यहाँ से आगरा पहुँच जाएंगे। अभी शताब्दी इसी दूरी को तय करने में करीब 2 घंटे का वक्त लेती है। 190 किलोमीटर तक इसकी रफ्तार बढ़ाने की उम्मीद है और योजना भी है। सेमी बुलेट ट्रेन का ट्रायल आज से शुरू हो चुका है। उम्मीदें की जानी चाहिए कि कुछ दिनों में ये सेवा आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी, जो लोग आगरा जाना चाहेंगे। और राहत की बात यह है कि अगर आप आगरा जाकर सुबह जाकर शाम को वापस लौटना चाहते हैं तो यह भी मुमकिन होगा। ये ट्रेन सुबह आपको लेकर जाएगी और शाम को इसी ट्रेन से आप वापस दिल्ली आ सकेंगे। एक तरफ जहां यमुना एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद सड़क से आगरे तक की दूरी और वहां पहुंचना आसान हो गया है, वहीं दूसरी तरफ अब इस बुलेट ट्रेन की वजह से ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। अगर आप खुद अपनी गाड़ी चलाकर नहीं जाना चाहते हैं और ट्रेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस ट्रेन को आप ले सकते हैं, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। ये एक ट्रायल ट्रेन है जो आज अपने सफ़र पर दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकली है आगरा तक के लिए। इसमें रेलवे के अधिकारी भी मौजूद हैं, DRM मौजूद हैं, बाकी दूसरे अधिकारी भी इस ट्रेन में मौजूद हैं। नज़र होगी कि आखिर ये सफ़र कैसा रहता है और किस तरह की परेशानियों का इस ट्रायल में सामना करना पड़ता है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये ट्रेन लोगों के लिए भी चलनी शुरू होगी। तस्वीरें हैं, चेयर कार आप देख रहे हैं, जहां आप आराम से 1.5 से पौने 2 घंटे के सफर के बाद आगरा ताजमहल अगर आप देखना जाना चाहते हैं तो आगरा तक की दूरी पूरी कर सकते हैं। अभी तक इंडियन रेलवे में जो ट्रेन चल रही थी उसकी स्पीड भोपाल शताब्दी की 150 किलोमीटर पर आवर थी, और उसके अलावा हमारी गाड़ियां जो है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं इंडियन रेलवे में। बट ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये ट्रेन जो है नई दिल्ली से आगरा 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगी। कितनी कोचेज होंगे और कब से आम यात्रियों के? इसमें 10 कोचेज होंगे, LHP कोचेज हैं, जिनकी स्पीड पोटेंशियल 200 किलोमीटर ऑलरेडी है, और ये हमारा प्लान है कि इसको नवंबर तक हम लोग इसको कमर्शियली पैसेंजर के लिए खोल पाए।